हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट एरोस फॉर इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे इस काम के लिए एरो को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो एरो को नोबेल प्राइज मिला था फॉर एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्योरम एग्जामिन करती क्या है। अगर हम एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इस थ्योरम में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे अबाउट द वोटिंग सिस्टम। एरो ने बोला, यहाँ पे जब भी हम डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो फेयर होना चाहिए, वो डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए रादर देन डिक्टेटरशिप। तो एरो ने क्या बोला? एरो ने थ्रू दिस थ्योरम, दैट इज द एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, ही ट्राइज टू एग्जामिन द डिफिकल्टीज ऑफ क्रिएटिंग अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप इस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? नंबर वन, वोटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और वोटिंग सिस्टम में भी हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? दिस थ्योरम ट्राइज टू एग्जामिन द डिफिकल्टीज ऑफ क्रिएटिंग अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम इस सिस्टम के बारे में, सॉरी, जब हम इस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, पहला तो आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द वोटिंग सिस्टम। और दूसरा, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में। सोशल वेलफेयर फंक्शन, आई होप आप लोगों ने क्लास देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां पे भी मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग नीचे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसकी पूरी प्लेलिस्ट पिन कर दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो सोशल वेलफेयर फंक्शन और वोटिंग सिस्टम के बारे में बात होती है इन द एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। जब हम एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के बारे में बात करते हैं, तो एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया कि ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियोस वैल्यूएबल लगती है, देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ये दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति पे शेयर कर दूंगी, आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब एरो के जब बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला आपको कि एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एग्जामिन्स द डिफिकल्टीज ऑफ क्रिएटिंग अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम। अब अगर मेरे को बताओ आप लोग कि डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा वोटिंग सिस्टम किसकी तरफ जाएगा? हमारा वोटिंग सिस्टम चला जाएगा डिक्टेटरशिप की तरफ। कहाँ जाएगा? डिक्टेटरशिप की तरफ। अब यहाँ पे इस चीज को बताने के लिए एरो ने क्या बोला? एरो ने तीन कंडीशंस के बारे में बात की। कौन कौन सी कंडीशंस हैं हमें पता होना चाहिए? नंबर वन, उन्होंने बोला, अगर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस कैसी हैं, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब आप सब लोग समझते हैं, बाय कंप्लीट वी मीन कि जितने भी ऑप्शंस हैं दे आर इनडिफरेंट। ठीक है, ऑल द ऑप्शंस आर इनडिफरेंट। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अगर मेरा 4 ए है, बी जो है मेरा 3 है, और सी मेरा 2 है, तो ऑटोमेटिकली आपने क्या बोला? 4 इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन योर सी। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिविटी, आप लोगों ने मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ा होगा। और रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना, सो दैट जब मैं आपके साथ टेबल डिस्कस करूं तो आपको समझने में मुश्किल ना आए। इफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर नंबर वन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट,
देन सोशल प्रेफरेंसेस भी क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट। ठीक है, इन्होंने पहली कंडीशन ये बोली। ठीक है, सोशल प्रेफरेंसेस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो जब आप सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली सोशल प्रेफरेंसेस के बारे में बात होगी। और सोशल वेलफेयर फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को ही तो एग्रीगेट करते हैं। दैट्स व्हाई पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के बारे में बात की एंड देन सोशल प्रेफरेंसेस। जिसको नहीं समझ आया मैं वापस समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट से हम लोग अगर बात करें वोटिंग की, ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वोटिंग के लिए, आप लोग सीएम की वोटिंग के लिए क्या करते हैं, वोट देते हैं। सीएम के इलेक्शन के टाइम जब आप वोट देते हैं तो हर इंडिविजुअल पर्सन एक डिफरेंट कैंडिडेट को वोट करता है। इंडिविजुअल पर्सन ए, लेट से पर्सन ए हमारा है, वो कैंडिडेट एक्स के लिए वोट करता है। क्लियर? अब इंडिविजुअल बी क्या करेगा, बी लेट से वाई के लिए वोट करता है, सी फिर से एक्स के लिए वोट करता है, एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते हमारा कैंडिडेट वाई जो है वो बन जाता है सीएम। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी और इंडिविजुअल सी ने जब वोट वोट किया एक्स वाई जेड, तो ये क्या थे, ये इनके इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस थी। लेकिन जब सोसाइटी के लेवल पे काफी लोगों ने वाई के लिए वोट किया तभी वाई जो है आपका वो इलेक्ट हुए। तो यहाँ पे जब वाई कैंडिडेट के लिए वोट हुआ तो वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा, वाई डज नॉट रिप्रेजेंट योर सोशल प्रेफरेंस इस केस पे, सॉरी, वाई रिप्रेजेंट्स योर सोशल प्रेफरेंस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस। वाई जब सीएम की पोस्ट में आएंगे तो उस समय वाई क्या है, वो सोसाइटी के लेवल पे प्रेफरेंस है। वाई जो है वो किसी की इंडिविजुअल प्रेफरेंस के बारे में हम बात नहीं करी, हम बोल रहे हैं कि मेजोरिटी पीपल ने वाई को वोट किया। तो वाई यहाँ पे क्या हो गया, वाई रिप्रेजेंट्स योर सोशल प्रेफरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। एक्स वाई जेड जब हम इंडिविजुअल ए के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ए एक्स के लिए वोट कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल ए की इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है, दैट इज एक्स। बी की वाई, सी पर्सन के बारे में अगर हम बात करें उनकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है, एक्स। हमने बोला अगर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट, तो ऑटोमेटिकली सोशल प्रेफरेंसेस भी क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट। क्लियर? दूसरा, एरो ने दूसरी कंडीशन क्या बोली, चॉइस ऑफ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस शुड रिप्रेजेंट चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जो सोसाइटी के लेवल पे जब आप वाई को बोल रहे हो कि वाई इलेक्ट होगे तो वो अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस चीज के बारे में बात करते हैं। अगर हम बोलते हैं मिस्टर एक्स सीएम है तो मिस्टर एक्स सीएम क्यों बने, बिकॉज मेजोरिटी पीपल ने वोट किया था फॉर मिस्टर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब मिस्टर एक्स जो आपके सोशल प्रेफरेंस हैं वो आपके लिए सोशल प्रेफरेंस क्यों है, बिकॉज इंडिविजुअल लोगों की प्रेफरेंस थी। तो यहाँ पे क्या बोला, चॉइस ऑफ सोसाइटी, चॉइस ऑफ सोसाइटी कौन है, मिस्टर एक्स जो आपके सीएम है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर वाई कर लेते हैं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो मिस्टर वाई जो सीएम बने वो क्या है, वो सोशल प्रेफरेंस है, दैट इज द चॉइस ऑफ सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस शुड रिप्रेजेंट चॉइस ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यही बोलते हैं ना कि मेजोरिटी मेजोरिटी का जो वोट है वही रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे, हमारा, अगर हम सीएम की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट वहां पे सिलेक्ट हो रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स। क्लियर? दिस मीन्स दैट इफ मेजोरिटी इन द सोसाइटी प्रेफर्स बंडल एक्स ओवर बंडल वाई, देन सोसाइटी थ्रू सोशल इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज रैंक बंडल एक्स ओवर बंडल वाई। क्लियर? आई होप आपको समझा पा रही हूं मैं। अगर फिर भी आपको चीजों में मुश्किल आ रही है तो प्लीज आप मुझे अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट आई कैन रिजॉल्व दैट। नंबर 3, इंडिविजुअल प्रेफरेंस रिलेशन एंड देयर सोशल रैंकिंग शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली रेलिवेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एक्स वाई और जेड के बारे में बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोटिंग करानी है एक्स वर्सेस वाई, एक्स वर्सेस वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि तीन पर्सन है, ए बी और सी। ये भी आपको टेबल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हम लोग किसके बीच में वोटिंग देखना चाहते हैं, बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें नहीं लेना देना कि जेड के साथ इनका क्या रिलेशन है। तो हम लोग हमेशा देखेंगे कि एक्स जो है वो, सॉरी, जो ए कैंडिडेट है वो, उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस एक्स है या वाई है। लेट से कैंडिडेट ए एक्स को प्रेफर करते हैं ओवर वाई, कैंडिडेट बी वाई को प्रेफर करते हैं ओवर एक्स, और कैंडिडेट सी क्या कर रहे हैं, वाई को प्रेफर कर रहे हैं ओवर एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हमें एक्स और वाई जो हमारे लिए रेलिवेंट वेरिएबल है, हम उसी के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के लिए नहीं मैटर करेगा इस पॉइंट पे कि कैंडिडेट ए के लिए जेड की प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, अभी आपको मैं टेबल से समझाऊंगी, ये पॉइंट आपको वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो तीन कंडीशंस को याद रखना, मेरे साथ रिपीट करिए। नंबर 1, इफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट, देन सोशल प्रेफरेंसेस शुड ऑल्सो बी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट। नंबर 2, चॉइस ऑफ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस शुड रिप्रेजेंट चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस मीन दैट इफ मेजोरिटी इन द सोसाइटी प्रेफर्स बंडल एक्स ओवर बंडल वाई, देन सोसाइटी थ्रू सोशल इंडिफरेंस कर्व विल ऑलवेज रैंक बंडल एक्स ओवर बंडल वाई। नंबर 3, इंडिविजुअल प्रेफरेंस रिलेशन एंड देयर सोशल रैंकिंग शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली रेलिवेंट वेरिएबल्स, दैट इज द प्रेफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई शुड डिपेंड ओनली ऑन हाउ पीपल रैंक एक्स वर्सेज वाई एंड नॉट ऑन हाउ दे रैंक अदर ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर? ये तीनों, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, ये तीनों कंडीशंस आपके माइंड पे एकदम क्लियर होनी चाहिए, एज इट इज आपको इसको लिखना है। ठीक है, जब भी आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो प्लीज फोकस कि आप लोगों को इन कंडीशंस को लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द थियरम क्या बोला था, वापिस से उस लाइन पे आइए। द थियरम एग्जामिन्स द डिफिकल्टीज ऑफ क्रिएटिंग अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, यही बोला था। अब यहाँ पे इस लाइन पे आइए, यहाँ पे क्या लिखा, ए सोशल डिसीजन मैकेनिज्म सेटिस्फाई प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये वाली जो मैंने अभी आपके साथ कंडीशंस की ना, हम इनके बारे में कह रहे हैं। एरो ने बोला अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस समय क्या होगा, इट मस्ट बी अ डिक्टेटरशिप। ठीक है, अगर डिक्टेटरशिप है, इसका मतलब हम लोग तो डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए, और हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वहां पे हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन एरो ने बोला कि अगर आपका सोशल डिसीजन मैकेनिज्म तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिक्टेटरशिप होगा। मतलब जो आपके पास सोशल रैंकिंग आएगी वो अल्टीमेटली रैंकिंग होगी वन इंडिविजुअल की, रैंकिंग्स होंगी वन इंडिविजुअल की। अगर मैं इसको और सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रही हूं कि जब हम लोगों ने वोटिंग किया, वोटिंग हम किसके लिए कर रहे थे, वोटिंग कर रहे थे हम डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, हम डेमोक्रेसी के लिए वोटिंग कर रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने वोट किया तो हमें क्या मिला, हमें डिक्टेटरशिप मिली। अगर हम डेमोक्रेसी में होते तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सोसाइटी के हर इंडिविजुअल की चॉइस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, यही होना चाहिए था। लेकिन नाउ डिक्टेटरशिप के अंदर क्या हो रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द चॉइस ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल, चॉइस ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे मैनिपुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है। तो एरो ने बेसिकली यही बताया
कि यहाँ पे जब हम लोग इलेक्टोरल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे क्या क्या डिफिकल्टीज आती है इन क्रिएटिंग अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। आई होप मैं आपको चीजें कन्वे कर पा रही हूँ। क्लियर यहाँ तक? अब हम इस टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि एरो क्या बोल रहे हैं। एरो ने बोला, लेट से हमारे पास तीन पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। पर्सन ए, पर्सन बी और पर्सन सी ने किसके लिए वोट करना है? एक्स वाई एंड जेड के लिए वोट करना है। ठीक है, तो पर्सन ए के बारे में अगर हम बात करें, पर्सन ए के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक्स और वाई के हिसाब से देखना। अभी आप पर्सन ए प्रेफर किसको कर रहे हैं, एक्स को या वाई को? फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। पर्सन ए इज प्रेफरेंसिंग एक्स ओवर वाई। पर्सन बी किसको प्रेफर कर रहे हैं? ओवर वाई, ओवर एक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो वाई को दे रहे हैं और वो थर्ड प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं? एक्स को। पर्सन बी वाई ओवर एक्स और पर्सन सी किसको कर रहे हैं? एक्स ओवर वाई। अब यहाँ पे देखिए, दो लोगों ने किसको किया प्रेफर? एक्स ओवर वाई। इसका मतलब हमारे पास क्या आया? सोशल प्रेफरेंस के बारे में अगर हम बात करें, सोशल प्रेफरेंस हमारी क्या शो करेगी? एक्स ओवर वाई। सोशल प्रेफरेंस ने क्या शो किया? एक्स ओवर वाई। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, फिर मैं वापिस आऊंगी अभी टेबल पे। एरो स्टिपुलेटेड दैट इफ एनी सोशल वेलफेयर फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस, देन इट मस्ट बी वेलफेयर फंक्शन डिजाइन बाय एन इंडिविजुअल, जो डिक्टेटरशिप में अभी हमने बात की। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग टू डिवाइस सोशल वेलफेयर फंक्शन सच दैट इट सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशन। एरो शोड दैट एनी एग्रीगेट वोटिंग डिसीजन विल रिजल्ट इन एजेंडा मैनिपुलेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपकी आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, बाय ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज इट विल वायलेट वन ऑफ द थ्री कंडीशन। अब यहाँ पे पढ़ना इस चीज को ध्यान से। इन एग्रीगेट वोटिंग डिफाइंड ओवर थ्री बंडल्स एक्स वाई एंड जेड एंड थ्री पीपल ए बी एंड सी, ही शोड दैट इट इज पॉसिबल टू मैनिपुलेट द एजेंडा बिकॉज इवन इफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड कंप्लीटनेस, सोशल प्रेफरेंसेज मे नॉट सेटिस्फाई इट। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट से पढ़िए। एरो स्ट्रेस दैट इन केस ऑफ एग्रीगेट वोटिंग एज रिप्रेजेंटेड इन केस वन, इट इज पॉसिबल दैट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट, बट सोशल प्रेफरेंसेज डू नॉट रिटेन द सेम। ये अभी हम देखेंगे। एक्स इज प्रेफर्ड ओवर वाई, क्यों? मैंने अभी ये आपको बताया था टेबल से, बिकॉज ए एंड सी रैंक्ड इट हाइयर। ठीक है, लेकिन अब हम वाई और जेड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई सोशल प्रेफरेंस आया। अब वाई और जेड के बारे में बात करो, पर्सन ए ने क्या किया? वाई ओवर जेड। पर्सन ए ने वाई ओवर जेड। ठीक है, अब पर्सन बी के बारे में बात करें, वाई ओवर जेड। पर्सन सी ने जेड ओवर वाई। तो सोशल प्रेफरेंस में आप क्या लिखोगे? सोशल प्रेफरेंस क्या हो गया हमारा? वाई ओवर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे वापिस से आइए उस पे, राइटअप पे। वाई विल बी प्रेफर्ड ओवर जेड बिकॉज ए एंड बी रैंक्ड इट हाइयर। क्लियर? अगर अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट में जो कंडीशन पढ़ी थी, वहां पे हम क्या बात कर रहे थे? ट्रांजिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, ट्रांजिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्रांजिटिविटी को लगाए, ट्रांजिटिविटी का क्या रिलेशन था? इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इस पे ट्रांजिटिविटी लगा दूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए था? एक्स इज ग्रेटर देन जेड, मतलब लोग एक्स को प्रेफर करेंगे ओवर जेड, यही आना चाहिए था। बेस्ड ऑन द कंडीशन अगर मैं ट्रांजिटिविटी लगाती, तो मेरे पास ये आना चाहिए था। नाउ आप वापिस से एक्स ओवर जेड को देखिए। ठीक है, अगर मैं एक्स और जेड के बीच में वोटिंग कराऊं, पर्सन ए क्या करेगा? एक्स ओवर जेड। पर्सन बी जेड ओवर एक्स। पर्सन सी जेड ओवर एक्स। अब यहां से अगर मैं इस बेसिस पे रिलेशन एस्टैब्लिश करूं,
हमारे पास क्या आएगा, सोशल प्रेफरेंस में जेड ओवर एक्स। अब ये और ये चीज क्या है, कॉन्ट्रेरी है। एक्स ओवर जेड आया मेरे पास अगर मैं ट्रांजिटिविटी को लगा रही हूँ, अदरवाइज मेरे पास क्या आ रहा है, जेड ओवर एक्स। ठीक है, वापिस से राइट अप पे आइए। इफ सोसाइटीज प्रेफरेंस इज ट्रांजिटिव देन इट शुड बी डिफाइंड सच दैट एक्स इज प्रेफर्ड ओवर जेड। ठीक है, मैं वापिस आपको टेबल दिखा देती हूँ। मतलब ट्रांजिटिविटी के टाइम पे वो बोल रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन जेड होना चाहिए। बट इन द गिवन एग्जाम्पल बी एंड सी प्रेफर्ड जेड ओवर एक्स एंड देयर फोर इन एग्रीगेट वोटिंग जेड इज प्रेफर्ड ओवर एक्स। मतलब अगर हम एग्रीगेट वोटिंग कर रहे हैं, ट्रांजिटिविटी को भूल जाए, तो हमारे पास आ रहा था जेड इज प्रेफर्ड ओवर एक्स। लेकिन अगर मैं ट्रांजिटिविटी लगा रही थी तो एक्स इज प्रेफर्ड ओवर एक्स आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे किसी चीज की वायलेशन है, वायलेशन किसकी है कि ट्रांजिटिविटी नहीं आ रही। यही यही कहने का मतलब है ना, क्योंकि अगर मुझे ओवरऑल वोटिंग पे देखना है, ओवरऑल वोटिंग में मेरे पास क्या आ रहा है, जेड ओवर एक्स। जेड ओवर एक्स आने का मतलब ही क्या है कि यहाँ पे मेरा ट्रांजिटिविटी जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, ट्रांजिटिविटी डज नॉट होल्ड, यही मतलब है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, दिस वायलेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी कैन रिजल्ट इन एजेंडा मैनिपुलेशन, जिसके बारे में हम हमेशा से बात करते आए हैं। सच दैट एन इंडिविजुअल लाइक ए, इसको ध्यान से पढ़ना फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा, और उसके बाद 5 मिनट लेकर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। सच दैट एन इंडिविजुअल लाइक ए कैन फर्स्ट प्रपोज वोटिंग बिटवीन वाई एंड जेड। ठीक है, वोटिंग बिटवीन वाई एंड जेड क्यों करेगा, यहाँ पे देखिए। अगर इंडिविजुअल ए क्या करे, वोटिंग कर दे बिटवीन पहले वाई और जेड के, वाई और जेड में इंडिविजुअल ए प्रेफर कर रहा है वाई ओवर जेड, इंडिविजुअल बी भी प्रेफर कर रहा है वाई ओवर जेड, और इंडिविजुअल सी क्या कर रहा है, जेड ओवर वाई। हमारे पास क्या आ गया, वाई ओवर जेड आ गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल ए अगर वो बोले कि पहले आप वोटिंग कराइए वाई ओवर जेड, वो क्यों करेगा ऐसा, सो दैट हमारा जो जेड है वो इलिमिनेट हो सके। जेड क्या हो जाए, इलिमिनेट, क्योंकि हर बंदे ने बोला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई को प्रेफर कर रहे हैं ओवर जेड, सोशल प्रेफरेंस में हमारा ये आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी वजह से वाई ओवर जेड, नोइंग दैट वाई विल इलिमिनेट जेड, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड देन वोटिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्यों, क्योंकि अगर आप एक्स और वाई को देखो, हमारे पास क्या आया था, एक पर्सन ए ने भी एक्स ओवर वाई किया था, पर्सन बी ने वाई ओवर एक्स किया था, लेकिन पर्सन सी एक्स ओवर वाई आया था, जिसकी वजह से हमारा जो सोशल प्रेफरेंस था वो क्या आया, एक्स ओवर वाई। और इस रिजल्ट में होगा क्या, पर्सन ए ने इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उन्होंने प्रेशराइज किया सोसाइटी को कि आप पहले वोटिंग करिए बिटवीन वाई एंड जेड, सो दैट जेड इलिमिनेट हो जाए। और पर्सन ए को पता है कि अगर ऐसा होगा और लेटर ऑन जब एक्स और वाई के बीच में वोटिंग की कराई जाएगी तो एक्स ही जीतेगा। तो पर्सन ए ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पर्सन ए चाहते हैं कि एक्स जीते। और पर्सन ए, अगर आपने ये पूरा सिनेरियो देखा, तो पर्सन ए चाहते थे एक्स जीते, इसलिए पर्सन ए ने बोला कि पहले हमारी वोटिंग होनी चाहिए वाई और जेड के बीच में, एंड लेटर ऑन एक्स और वाई के बीच में वोटिंग होगी, सो दैट हमारा एक्स जीते। तो यहाँ पे अगर एक्स को ही जिताना था तो ये क्या हुआ, ये तो प्रेफरेंस होगी ऑफ इंडिविजुअल ए, प्रेफरेंस होगी इंडिविजुअल ए। तो जब हमने बोला इट इज द प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल ए, मुझे आप लोग बताइए क्या ये चीज डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर होगी, क्या ये चीज एक्चुअली डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है डिक्टेटरशिप को, किसको रिफ्लेक्ट कर रही है, इट रिफ्लेक्ट डिक्टेटरशिप। तो यही एरो ने बोला, ठीक है, यही चीज एरो ने बोली। मैं आपको अभी 2 मिनट में रिवाइज करा देती हूँ, सो दैट आपको अगर कोई कंफ्यूजन है वो समझ आ जाए। एरो क्या बोल के गए, एरो ने बात की वोटिंग सिस्टम के ऊपर। एरो ने किसके ऊपर बात की, अबाउट द वोटिंग सिस्टम। एरो ने बोला कि यहाँ पे जब भी हम इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बहुत इंस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमारे हम लोग डेमोक्रेसी के लिए वोट करने वाले होते हैं, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेसी
क्या आता है? डिक्टेटरशिप। तो एरो थ्रू हिज थियरम, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम, ही एग्जामिन्स, ये लाइन पक्का ऐड कर लेना अपने राइटअप में, एग्जामिन्स द डिफिकल्टीज ऑफ क्रिएटिंग अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम। जब भी हम वोट करते हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आफ्टर वोट हमारे पास जो भी इलेक्ट होकर आएगा वो क्या बताएगा, वो सोसाइटी के प्रेफरेंसेस बताएगा, वो सोशल प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सोशल प्रेफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और सोशल प्रेफरेंसेस कहाँ से आ रही हैं? बाय एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। अब एरो ने बोला कि जब भी हम वोट करते हैं, और वोटिंग कैसे करेंगे, वोटिंग वोट सच दैट हमारे पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट, देन सोशल प्रेफरेंसेस शुड आल्सो बी रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड कंप्लीट। नंबर टू, चॉइस ऑफ सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस शुड रिप्रेजेंट चॉइस ऑफ इंडिविजुअल्स। दिस मीन्स दैट इफ मेजोरिटी इन द सोसाइटी प्रेफर्स बंडल एक्स ओवर बंडल वाई, देन सोसाइटी थ्रू सोशल इंडिफरेंस कर्व विल रैंक बंडल एक्स ओवर बंडल वाई। एंड थ्री, थर्ड इज इंडिविजुअल प्रेफरेंस रिलेशन एंड देयर सोशल रैंकिंग शुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली रेलिवेंट वेरिएबल्स, दैट इज द प्रेफरेंस ओवर एक्स एंड वाई शुड डिपेंड ओनली ऑन हाउ पीपल रैंक एक्स वर्सेज वाई एंड नॉट ऑन हाउ दे रैंक अदर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि इस तरीके से जब भी वोटिंग होगी और सेटिस्फाई करेंगी वो तीनों प्रॉपर्टीज को, तो हमें हमें जो आंसर मिलने वाला है, जो हमारी सोशल प्रेफरेंस है वो क्या होगी, वो डिक्टेटरशिप को रिफ्लेक्ट करेगी। और इसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ली इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। ये टेबल आपको हल्वेरियन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस टेबल से बात की, क्लियर। तो ये था हमारा एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम। बेसिकली यहाँ पे जब भी एरो इम्पॉसिबिलिटी थियरम के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपके साथ ए बी सॉरी एक्स वाई जेड ऑप्शंस के बारे में बात की, ये हमेशा थ्री और मोर ऑप्शंस के बारे में बात की जाती है। अगर दो ऑप्शंस पे बात होगी तो एरो बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां पे वोटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? थ्री और मोर ऑप्शंस पे जब वोटिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे था हमारे पास एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखाई देता है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया? तो दिस इज योर एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम। आई अगेन रिक्वेस्ट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है लेक्चर के अंदर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, तो वहां पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।